दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए तुषार एडिट चैनल को, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी टैप कर लीजिए, जब भी मैं कोई लेटेस्ट एडिटिंग वीडियो डालूं आप देखें सबसे पहले। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपको तुषार एडिट चैनल में। दोस्तों आज हम एडिटिंग करेंगे एक मैनिपुलेशन एडिटिंग। दोस्तों रोबोट फेस एडिटिंग, आपको ये एडिटिंग कैसे करना है मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ। आपको कुछ इस टाइप का पोज देकर फोटो उठा लेना है और पिक्सआर्ट में आ जाना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पिक्सआर्ट में आने के बाद आपको कटआउट में क्लिक करना है, कटआउट में कन्वर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। और इस लाइन को कुछ इस तरह पे अपनी फोटो में डाल लेना है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से अपनी फोटो में इस लाइन को ड्रॉ करना है, और यहाँ से राइट एरो पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से कटआउट शुरू हो गई है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से अच्छी तरह से कटआउट हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा सा जो रह गया है उसे अच्छी तरह से हम ले आएंगे, ठीक है दोस्तों। ड्रॉ करके और इरेजिंग कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरह से इसे कटआउट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कटआउट करने के बाद ही फोटो को सेव कर लेना, ठीक है दोस्तों। सेव करने के बाद फिर से आपको पिक्सआर्ट में डालना है। और दोस्तों कटआउट करने के बाद फोटो को सेव कर लेना, और सेव करने के बाद आपको फिर से फोटो को डाल लेना है ड्रॉ टूल में, ठीक है दोस्तों। ड्रॉ टूल में डालने के बाद आपको कुछ इस लेयर को नीचे ले आना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से इरेजर में क्लिक करना है, और यहाँ से इरेजर साइज को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, ठीक है दोस्तों। 60 से ज़्यादा, जितना ज़्यादा रखेंगे इतना अच्छी इरेजिंग होगा, ठीक है दोस्तों। मैं उसे थोड़ा सा ज़्यादा इरेजिंग करना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसलिए साइज को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसे इरेजिंग कर लेना, सिर्फ मास्क को रखना, ठीक है दोस्तों, फेस को रखना, और ये सारे के सारे को बॉडी को इरेजिंग कर लेना, ठीक है दोस्तों। फेस की पार्ट हमें चाहिए, ठीक है दोस्तों, मास्क बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से आपको इरेजिंग कर लेना है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से इरेजिंग कर लेता हूँ। आप भी अच्छी तरह से अपनी फोटो को अच्छी तरह से इरेजिंग कर लेना, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से देखिए थोड़ा सा हेड में, और यहाँ से इस तरह से कुछ इरेजिंग कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और इरेजिंग करने के बाद राइट एरो पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों, इरेजिंग कर लेना। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इरेजिंग कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इस तरह से कुछ इरेजिंग कर लेता हूँ। और दोस्तों इरेजिंग करने के बाद आपको राइट एरो पर क्लिक करना है, और इस फोटो को भी सेव कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इरेजिंग करने के बाद राइट एरो पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना। और इस फोटो को सेव करने के बाद आपको चले जाना है सेव पिक्सआर्ट में आना है, ठीक है दोस्तों। फोटो को सेव कर लेना है, और पिक्सआर्ट में आने के बाद बैकग्राउंड एंड PNG जितना मैं यूज़ किया हूँ मैं सारे के सारे PNG में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहीं से डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिखा है बैकग्राउंड एंड PNG डाउनलोड, वहीं से गूगल ड्राइव का लिंक है, आप वहीं से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और इस फोटो को कुछ इस तरह से सेट कर रहा है, जैसे जैसे सेट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कट गया नीचे से, मैं फिर से सेट कर रहा हूँ इसे, ठीक है दोस्तों। और इसे 8 फोटो में ला कर यहाँ से कुछ इस तरह से इस फोटो को सेट कर लेना है, ठीक है दोस्तों, सेट करना है। और उसके बाद आपको चले जाना है 8 फोटो में। 8 फोटो में जाने के बाद इस मास्क PNG, रोबोट मास्क PNG और हेयर PNG और अपनी मास्क PNG को ले आना है, ठीक है दोस्तों। और इसे यहाँ रख लेना है, और फेस में इस PNG को सेट करना है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से अपनी फोटो को फोटो में भी सेट कर लीजिएगा। इस PNG को मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँ, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ इस तरह से सेट करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा इरेजिंग करना है साइड में, ठीक है दोस्तों, इस साइड में आपको इरेजिंग कर लेना है। और इरेजिंग करने के बाद अच्छी तरह से सेट कर लीजिए इस मास्क को, और इस तरह से कुछ सेट करना है जैसे कि लगेगा रोबोट फेस है, ठीक है दोस्तों। और इस PNG को कुछ यहाँ से सेट करना है, हाथ में पकड़े हुए, ठीक है दोस्तों, रियल से लगना है। और इसे PNG को हेयर में हम सेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, हेयर में सेट कर लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद आपको जाना है इरेजर में, और इस फोटो में क्लिक करना, इरेजिंग चल रहे हैं, और ओबेसिटी को थोड़ा सा घटा देना है, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अपने हैंड पार्ट को थोड़ा सा लाना है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि फेस को हम पकड़े हुए हैं फेस की मास्क को, ठीक है दोस्तों। ओबेसिटी को थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, ठीक है दोस्तों, अपनी फोटो को अच्छी तरह से एडजस्टमेंट कर लेना। और यहाँ से मैं इस तरह से इरेजिंग करके, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा इरेजिंग करके और इसे सेट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अपने
अपने फोटो को भी अच्छी तरह से शूट करिएगा, ठीक है दोस्तों, असली लगना चाहिए। और यहाँ से साइड में भी थोड़ा थोड़ा सा इरेजिंग कर लेता है, और इसे इरेजिंग करने के बाद आपको सेट कर लेना है। और दोस्तों उसके बाद आपको जाना है और हेयर पिन जी को अच्छी तरह से सेट करना है, ठीक है, थोड़ा सा इरेजिंग कर लेना है, फेस के ऊपर आ गया है, ठीक है दोस्तों। हेयर पिन जी को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ इस तरह से सेट करने के बाद आपको जाना है क्लोन में, क्लोन में इस हेयर में क्लिक करना है और यहाँ से डाल लेना है क्लोन, ठीक है दोस्तों। और हेयर सब सर के सारे यहाँ चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा हेयर यहाँ चले जाएंगे। और यहाँ से मैं अच्छी तरह से इसे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से मैं ऐड कर लेता हूँ, और दोस्तों उसके बाद आपको डालना है ये टेक्स्ट पेन जी, ठीक है दोस्तों, रियलिटी एक टेक्स्ट पेन जी डाल लेना है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये टेक्स्ट पेन डाल लेना है और वहाँ से चला जाना है सैचुरेशन इफेक्ट में, सैचुरेशन इफेक्ट को मल्टीप्लाई करके इसे डाल लेना है, ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई रखना और 83% रखना, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जाना है एडजस्ट में, एडजस्ट में ब्राइटनेस को थोड़ा सा गिराना है और हाईलाइट को गिराना है, ठीक है दोस्तों, और इसे शार्ट में और यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर लगना है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से कुछ ऐड करना है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।